वायरल हुआ है वैसे चिंता का कोई बात नहीं है। सारा सामान टिन डिब्बा में आया है मालकिन। जाके रख दे जहाँ डब्लू के बाबूजी बोले हैं, हमको मत बता। का है इसमें? तुम्हारे बाबूजी को हमारा कोई सामान अच्छा नहीं लगता अपना कमरा में। अम्मा गुस्सा मत हो। अम्मा का बुखार कितना दिन में उतर जाएगा? अभी दवाई खिला दीजिए इनको, शाम तक बुखार उतर जाएगा। अच्छा मतलब खाली बुखार ही हुआ है और हम बूझे कि टीवी कैंसर हुआ होगा। भाभी कब बकवास कर रही है? नाना छोटे देवर जी, वो आजकल सासू जी हर तीसरा दिन जो बीमार पड़ रही है, हमको लगा कोई बड़का बीमारी हो गया है। आजकल मौसम बदल रहा है ना, इसीलिए ही बुखार हो गया है। मौसम का तो छोड़िए, स्थिति परिस्थिति भी जो है आजकल बदल रहा है। एक हफ्ता पहले अम्मा थी, अब दादी बनने जा रही है। ए! काड़ा, आपके लिए लाए थे बना के हम अपना हाथ से। रख दे उधर। आप ख्याल रखिए अपना, ऐसे चिल्लम चिल्ली करके अपना तबीयत मत खराब कीजिए। हम चलते हैं। बब्बू पैसा? बब्बू भैया पैसा। हाँ दवा ले लो, हम खिचड़ी बना देते हैं। का रे बब्बू का सोच रहा है? जब से हॉस्पिटल से आया एकदम में खोया हुआ रे। अरे हमरा चिंता मत कर, हम ठीक हैं। अब यही बाकी था। ये का की रे तुम? अरे अम्मा ये तो हमरा पुराना खिलौना है। ना ये सब बब्बू का है, तुम्हारा खिलौना कोई और डिब्बा में होगा। यही सब रखे हुए थे तो तुम्हारे बाबूजी खिसी आ गए हम पे। अब्बू जी तीसरा महीना चल रहा है हमरा। अरे हमरा नहीं तो कम से कम अपना बच्चा का तो सोच लीजिए। बड़ा होकर पापा पापा तो आपको ही बुलाएगा वो। हमरे पति बब्बू सिंह जी दो से तीन होने वाले हैं। और देखिए देखिए रिजल्ट भी आ गया है। खून तो ये हवेली का है, गरीब बच्चा के बाप तो आप ही खिलाएंगे। काहे कि ये आदमी तो बाप बनने लायक है ही नहीं। खिलौना पसंद था का? का देख रहा है बब्बू, याद है तुमको तुम ये सब खिलौना के लिए कितना रोता था? जब खाना नहीं खाता था ना तुम, तो स्वीटिया दौड़ के जाती थी या तुमको खिलौना लाके देती थी। तब तुम खाना खा लेता था, याद है ना रे स्वीटी? हाँ माँ। कब खिलौना से खेलते खेलते बंदूक से खेलने लग गया तुमको भी पता नहीं ना चला? हमरे पति बब्बू सिंह जी दो से तीन होने वाले हैं। ए बरबतिया, सारा खिलौना उठा के बाहर फेंक दे, एक भी नहीं दिखना चाहिए हमको। अरे क्या करे जा रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बार बार मजा आ रहा है। जो लगता है ये सब खिलौना देख के ना
देवर जी को अपना बच्चा याद आ गया होगा। कभी हुआ तो जाएंगे भी घाट तोला, है ना, खिलौना लेके। ले 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 ले, मेरा बहुत अच्छा करके रे, एकदम चुप। क्या कर रही हो तुम? अरे ये कपड़ा तो बहुत अच्छा है, ये काहे निकाली हो? अच्छा है ना, तुम ले लो। का? तुम अपना ड्रेस हमको दोगी? आज तक तो तुम हमारा सारा अच्छा अच्छा वाला कपड़ा चुरा के पहनी हो, और आज अपना ड्रेस हमको दे रही हो? तुम पर अच्छा लगेगा। नहीं दीदी, ये वाला रंग ना तुम पे ही अच्छा लगता है। हमको फिट नहीं हो रहा है, पर मोटी हो रहे हैं हम। वैसे भी ये सब नया कपड़ा है, हमें पड़ा रहकर खराब हो जाएगा, तो इसे अच्छा तुम ही पहन लो। गंदा हरकत किया है, वो ऐस करे हीले कर रही हो ही सब। ऐसा ही होता है मामा, मर्द लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, झेलना औरत को पड़ता है। नहीं पी लो, काढ़ा पी लो, तुम्हारा उल्टी रुक जाएगा। भी थोड़ा समय है बेटा, अच्छा से सोच ले, ये बच्चा को तुम जन्म देना चाहती है? तुमको याद है दीदी, जब हम लोग छोटे थे तो कैसे तुम अपना पेट पे तकिया बांध के घूमती थी और कहती थी कि देखो हम माँ बनने वाले हैं। तब वो खेल कितना अच्छा लगता था ना, अगर अब नहीं, किसको पता था कि बचपन का वो ख्वाब आज एगो भयंकर सपना बन जाएगा। हेलो, क्या हुआ? आपका आवाज, सब ठीक तो है ना? हाँ हम ठीक हैं। देखिए हम प्रेग्नेंट है, इसका ये मतलब नहीं कि हम आपको बार बार चांस देंगे हीरो बनने का। अच्छा चलिए ठीक है, मत बनाइए हमको अपना हीरो, दोस्त बना के रखिएगा तो भी चलेगा। हाँ तो हम आपको इसलिए फोन किए थे कि अभी आपको अपना दवाई खाना है, याद है ना? ले लोटा, तो हम भूल ही गए, हुआ हमने दवाई लेके आओ। हाँ
चाची। निम्की जी देखिए, अगर ये लड़ाई आपको लड़ना है ना, तो आपको अपना ख्याल रखना होगा। दवाई टाइम पे खाया कीजिए। हाँ भैया भी ले रहे हैं। अच्छा हम बाद में बात करते हैं, अभी दवाई ले लेते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए भाई। एक मिनट निम्की जी, हम मुंगेरी लाल जी को बोल दिए हैं सोनोग्राफी मशीन के लिए। अगर वीडियो ऑफिस से कुछ हो पाएगा तो फिर लगवा देंगे स्वास्थ्य केंद्र में। बजट देखना पड़ेगा थोड़ा। अरे वाह, बहुत अच्छा बात है। हम टुन्नी को बोल दिए कि डॉक्टर से लिस्ट ले आए, कल मिलकर ना इसमें चर्चा करेंगे। प्रेग्नेंट होने से एक तो अच्छा काम हुआ, हमको पता चला कि मशीन का कितना जरूरत है स्वास्थ्य केंद्र में, है ना। चलिए रखते हैं, बाय। तो हमेशा आपके साथ है निम्की जी। दीदी, हम तुमको ये सब यही ले करने दे रहे हैं, कहे कि बीडियो बाबू तुम्हारे साथ हैं, वो तुमको हर हाल में अपनाएंगे। बस ये लड़ाई में ना अनारो दिव्य और पप्पू सिंह का हार होना ही चाहिए, कोनो भी हालत में। निम्की कहाँ थे आप? महतो बाबू कहाँ गए थे अनारो जी? आप एकदम चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा चकाचक। मैंने पार्टी का बात सुन के कलेजा का धोखनी बढ़ गया आपका। अनारो जी, जो भी है ना इसी में है, समझ गई ना। वो छोड़ी को भूल जाइए, कुछ नहीं रखा है छोड़ी में। भूल जाए छोड़ी, हमारे पप्पू का गांव भर में तमाशा बना रही है। हाँ भूल जाए भाई, हम तो थक चुके हैं बात सुन के। एक बात सुनिए, बचपन से लेके अब तक बबुआ को उसकी मर्जी का करने दिए, कभी रोक टोक नहीं किए, और उसी का ही परिणाम है ओकरा चक्कर में हम मुखिया से ही पंचायत के का हाल हो गया। मैंने पद भी चला गया हाथ से, विधायक बन सकते थे वो भी ना बन पाए। क्या नारो जी, बात ऐसा है कि जिंदगी में बार बार चांस नहीं मिलता है, और भी ये उम्र में। भाई हम भी चाहते हैं निम्किया को अपना जिंदगी से निकाल फेंकना, वरना सत्ता के शर्त पे नहीं, माने पावर रहेगा तभी ना आदमी राज करेगा। अब पावर आता कहां से है? सत्ता से। ये उम्र में हमारा पास है सत्ता का रहना बहुत जरूरी है, अगर सत्ता नहीं रहेगा ना हमारा पास तो कुत्ता नहीं पूछेगा हमको। ये उम्र में आज के डेट में हमको हर हाल में सत्ता चाहिए। मगर छौड़ी को छोड़ कैसे सकते हैं? माने फालतू बात, आपसे तो बातें करना बेकार है, बार बार छोड़ी 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 क्या माने? लगता है भगवान जी एक घर से नाराज हो गए। हम कल मंदिर में जाके हवन कराएंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है भाई, आपको जो कराना है ना कराइए, पर छोड़ी को दिमाग से निकालिए। हवन कराइए, कीर्तन कराइए, पूजन कराइए, हम सारा व्यवस्था कर देते हैं मंदिर, ठीक है ना। कम से कम ये बहाने वो छोड़ी तो आपके दिमाग से निकलेगी।
अभिमन्यु बाबू ही देखिए, कि टुन्ने ना इस स्वास्थ्य केंद्र से सारा जानकारी ले आया है उस सोनोग्राफी मशीन का। हाँ वो टुन्ने बाबू फोन किए थे, मगर इनके जी वीडियो ऑफिस तो इतना पैसा नहीं दे पाएगा, मुश्किल है। अरे वही तो हम देख रहे हैं कि पंचायत से कितना मिल सकता है। ये एका है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। हाँ हम कलेक्टर साहब को प्रपोजल भिजवाए हैं, मगर ये लोग का तो आप लोग जानते हैं ना, वो तो जरूरी चीज कहाँ जल्दी अप्रूव करते हैं। अभी कोई नेता कोई गांव आ गया तो सड़क बनवाने में फौरन लगा देंगे पैसा। सही बात है, काश सब कुछ ना नायक फिल्म के जैसा होता। तुम घाट टोला को एक के दिन में घाट टोला स्विट्जरलैंड बना देती ना। का मतलब? मतलब कि हम मशीन नहीं लगवा पाएंगे का? अरे ऐसे तो हमारा बेइज्जती हो जाएगा भाई। एक काम कर सकते हैं, बुद्धू सिंह से बात कर सकते हैं, एमएलए फंड से वो जरूर कुछ मदद कर सकेगा। अरे हाँ ये कर सकते हैं। है उधर खेलो बॉल। क्या कर सकते हैं इन की है? ये भला बुद्धू सिंह काहे मदद करेगा हम लोग का? कोनो काम का आदमी नहीं है वो वीडियो बाबू, नेता है वो, समझ रही हो तुम? तुम कितना फिल्म सब देखे हो, तुम इतना सब नोटिस नहीं किया कि हर फिल्म में तीन डायलॉग हमेशा रिपीट होता है। पहला डायलॉग, आप लोग भगवान से दुआ कीजिए, ऑपरेशन सक्सेसफुल। दूसरा डायलॉग, अरे बेटा तू आ गया, ये देख मैंने तेरे लिए क्या क्या बनाया है। तीसरा डायलॉग, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अरे वाह, हम सच में ये तो कभी ध्यान ही नहीं दिए। लेकिन दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है से वो बुद्धू सिंह का लेना देना? अरे वो बुद्धू सिंह मुखिया निमकी का मदद नहीं करेगा, मगर तेतर सिंह को नीचा दिखाने के लिए तेतर सिंह की बहू का मदद जरूर करेगा। ये बिल्कुल सही बोली आपने बीजी। नहीं कुछ कुछ नहीं। ये पैकेट भी कहाँ है? अरे कुछ कुछ नहीं है। अरे निम्की जी, अरे ये गजब ड्रेस आपके लिए, वो सरप्राइज देना चाहते थे मगर वो। अरे वीडियो बाबू, निम्की को गिफ्ट देने में ना तनिको देर नहीं करना चाहिए, खास करके ड्रेस। तो वीडियो बाबू ड्रेस भी लाने लगे हैं निम्की के लिए। अरे का है भाई, वो सोचे थे निम्की जी को अकेले में देंगे, मगर तो आप तुमको पहले बता देते वीडियो बाबू, हम माहौल भी बना देते आपके लिए। क्या बोलो? हाँ तिवारी जी बोलिए। का अभी अभी तो तिवारी जी हम बाहर हैं। अच्छा हाँ हाँ, बात करके देखिए ना जरा तिवारी जी। हाँ ठीक है हम आते हैं। हाँ हाँ 10 मिनट में पहुंच जाएंगे जी। डीएम साहब के ऑफिस से फोन है, जाना पड़ेगा अभी। डीएम साहब छुट्टी के लिए निकल रहे हैं अभी, तो हर हाल में मिलना ना होगा। ठीक है चलिए चलते हैं। कैसे लग रहे हैं आप? अरे वाह निम्की, गजब लग रही हो तो। एकदम हीरोइन लग रही हो दीदी। हमको पता है हम हीरोइन लगते हैं, लेकिन हमारे बॉयफ्रेंड कहाँ गए? तो चले गए। अरे हाँ, उनको डीएम ऑफिस से फोन आया, कोनो जरूरी काम था, चले गए वो तो।